मणि साहब, जब आपकी टीम ने पूरा का पूरा डिजाइन किया, क्या जी क्या चीज, तो बात जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में फिर बात हो जी रही है कि बाहर की कंपनियों की ट्रेनें चलेंगी ट्रैक पर, और जैसे टेल्गो हो गई या और कंपनियां हैं, वो कहती हैं साहब हम इस तरीके की डिब्बे लाएंगे जिसमें बेहतर सुविधाएं होंगी, तो उसमें और आपकी वंदे भारत में या ट्रेन 18 में जी 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 बहुत बड़ा फर्क है, क्या फर्क है? नहीं, ये अच्छा सवाल आपने किया। तो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये आपको कहते मिलेंगे कि हम किसी से पीछे नहीं हैं और हम कुछ भी बना सकते हैं, और ये हमने चंद्रयान बना दिया है, मंगलयान बना दिया है। और दूसरे होते हैं जो वो ये कहते हैं, अरे यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता हिंदुस्तान में, हम क्या बनाएंगे, हम तो यही नहीं बना पाते, हम तो एक वेंटिलेटर नहीं बना पाते, हम एक सुई नहीं बना पाते। ये दोनों लोग गलत हैं मेरे हिसाब से। पहला, हमारी जितनी कैपेबिलिटी है आज की डेट में, उससे 10% ऊपर एटलीस्ट इतना तो हमें कोशिश करके यही बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा ऊपर सोच के ट्राई नहीं करेंगे और फेल होके फिर बनाएंगे, फिर फेल होंगे फिर बनाएंगे, तब तक हम सक्सीड नहीं कर सकते। और दूसरे, वो जो समझते हैं यहाँ कुछ भी बन सकता है, उनके लिए मैं शेक्सपियर उनको याद दिलाऊंगा। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में एक डायलॉग है कि अ फूल डथ थिंक हिमसेल्फ टू बी वाइज, वेयर एज अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अ वाइज फूल देन अ फूलिश वाइज पर्सन। अपने को ये ना समझने लगो कि यहां सब कुछ कर सकते हो। तो अब मैं आपके मुद्दे पे आ जाऊं कि अगर आज आपको 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर की हाई स्पीड ट्रेन बनानी है, तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, एज द पर्सन हु हेडेड द ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएटेड द ओनली इंडिजिनस ट्रेन सेट इन इंडिया, दैट वी डू नॉट हैव द केपेबिलिटी टू रीच दैट मच। वी हैव द केपेबिलिटी टू लर्न, बट वेन इट कम्स टू अ ट्रेन सेट इन द रेंज ऑफ आई वुड से अप टू 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे पास 200 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है, और आएगा भी तो अभी सालों लग जाएंगे उसमें। तो ये 180 बाई 160 किलोमीटर की अगर ट्रेन बनानी है, तो ये शर्म की बात होगी अगर हमें किसी विदेशी के पास जाना पड़े, क्योंकि हमने थ्रू सक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यहां बहुत कुछ सीखा है और हमें इसको खुद बनाने की अच्छी क्षमता है, और उस क्षमता को न यूज करना ये एक बहुत ही गलत बात होगी। तो अगर 160-180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनानी है, स्टील बॉडी, स्टेनलेस स्टील बॉडी, तो हमें किसी विदेशी कंपनी पे जाने की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण स्वदेशी काम हो सकता है। हो सकता है कि दो चार कंपोनेंट जैसे सीट नहीं बनती अच्छी यहाँ पे एयरक्राफ्ट वाली, अभी भी, कल को बनेंगी जब आप ज्यादा खरीदोगे, तो दो चार चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए शायद, लेकिन सारी कॉन्सेप्ट से लेके डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, वैलिडेशन, सारा काम हिंदुस्तान में होना चाहिए। इसका आईपीआर हिंदुस्तान में रहना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सस्ते में हो जाएगा, सस्ता तो ठीक है होगा ही, लेकिन ये प्राइड की भी बात है कि हमारे में कैपेबिलिटी है और हम ये एक ट्रेन खुद बना रहे हैं, हमें किसी विदेशी कंपनी की तरफ देखना नहीं है। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि जहां तक हमारी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा ऊपर तक हमें खुद करना चाहिए पैशन के साथ, और जहां हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वहां हमें मानना चाहिए कि नहीं है, और हमें बाहर से लाके उनसे सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह नहीं जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी लाते रहे, LHV कोच आई, EMD लोको आया, ABB लोको आया, सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, लेकिन आज तक हम वैसा नहीं बना पाए जैसा वहां से लाए थे। तो ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बेकार है। ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए जिसमें आप सीखें, नो हाउ और नो वाई दोनों सीखें, जिससे आगे उसी फैमिली का कुछ बनाना हो आपको या उससे ऊपर।